ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और सुबह 9 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत का आंकड़ा सामने आ गया है। बता दें कि 14.97% मतदान अभी तक एमपी में हुआ है। वहीं रतलाम की बात करें तो 13.73, वहीं देवास में 16.79% मतदान हुआ है। इंदौर में 11.48%, उज्जैन में 16.80%, वहीं खंडवा की बात करें तो 14.68%, धार में 15.61%, खरगोन में 15.35% और मंदसौर में 16.61% मतदान हुआ है। बता दें कि मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है और सुबह 9 बजे तक की अगर बात करें तो 14.97% मतदान हो चुका है। वहीं अलग अलग लोकसभा सीटों की बात करें तो रतलाम में 13.73, देवास में 16.79, वहीं इंदौर में 11.48%, उज्जैन में 16.80%, खंडवा में 14.68%, धार में 15.61% मतदान होता हुआ नजर आया है। खरगोन में 15.35% और मंदसौर में 16.61% वोटिंग हुई है। बता दें कि आज मध्य प्रदेश में आखिरी चरण का मतदान हो रहा है और 8 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है और सुबह 9 बजे तक की बात करें तो 14.97% मतदान अब तक हो चुका है। लगातार सुबह से ही ये मतदान जारी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होना था और आज मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव जहां 8 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में 9 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत का आंकड़ा सामने आ गया है। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर यह आंकड़ा देख सकते हैं कि आज 8 लोकसभा सीटों पर सुबह से मतदान जारी है। उसी क्रम में सुबह 9 बजे तक 14.97% मतदान अब तक हो चुका है। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ सीहोर से संवाददाता चंद्र गए हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार आज 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? आकांक्षा बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के देवास लोकसभा संसद क्षेत्र में जो 8 विधानसभा है जिसमें से एक सीहोर जिले की विधानसभा भी 157, जिसमें कि सुबह से ही लगातार मतदाताओं में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और अभी 10:30 बजे तक 22% के लगभग मतदान हो चुका है, जिसमें कि जो शादीशुदा नव युवक दंपति वो भी दुल्हन लाने से पहले मतदान करने जा रहा है। जी वही चंद्र, अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज ये आखिरी चरण है और देश में लगातार 3 चरणों के मतदान हुए हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से वो मतदान संपन्न होते हुए नजर आए। सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने पुख्ता इंतजाम किए, जिसमें कि 2000 सुरक्षा बल की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि बड़े ही बल और जोश से शांतिपूर्वक व्यवस्था मतदान करवा रहे हैं। वही चंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से ये 9 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है तो ये साफ तस्वीर आ रही है सामने कि कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में या सीहोर की अगर बात करें तो मतदाता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या लगता है मतदान प्रतिशत में किस तरीके का अंतर देखने को मिल सकता है? आकांक्षा बताना चाहूंगा कि सीहोर कलेक्टर और जो एसपी, इन्होंने मतदान के लिए लगातार कैंपेन कर मतदाताओं को जागरूक किया है, जिसी का परिणाम यह है कि अभी 9:30 बजे तक 20-22% का आंकड़ा हुआ है, जो कि अभी जो दूसरे चरण का मतदान हुआ था जिसमें सीहोर विधानसभा थी आज इछावर और सीहोर और बुधनी जिनमें की 70% के लगभग था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो आष्टा विधानसभा है इसका रुझान 80 के ऊपर निकल जाएगा। जी चंदर, कई तरीके से लिखा गया कि बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आज जो आते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मतदाताओं पे किस तरीके से प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जनता से अपील की जा रही थी कि आप मतदान स्थल पर जाएं और मतदान करें। बिल्कुल, अपील की जा रही है नेताओं द्वारा भी, अधिकारियों और समाज सेवकों द्वारा भी अपील की जा रही है, जिससे कि जो वोटर है वो जागरूक होकर मतदान करने को जा रहा है। ठीक है चंदर सिंह बागवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां ये 9 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और आज एमपी के लिए ये जो आखिरी चरण का मतदान है, इसमें 8 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है।